आप देख रहे हो डिफरेंट यूनिक क्लासेस जहाँ पर आपको मैथ के सवाल को सबसे अलग तरीके से समझाया जाता है। देखो मैथ का दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, मैथ से ज़्यादा तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। आपको बस करना क्या है, मैथ का जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट कोई भी क्वेश्चन पढ़ो तो आपको इतने बेसिक से पढ़ना है कि आपको वो समझ में आया है। अगर आप क्वेश्चन की बेसिक को समझ लोगे तो आपको फिर कभी भी मैथ के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोग करते क्या है, हम लोग हमेशा मैथ के जब भी कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें भी फॉर्मूला ट्रिक का यूज करते हैं। आप फॉर्मूला ट्रिक का यूज करो अच्छी बात है, बट उसकी बेसिक को भी समझो। बेसिक समझ लोगे तो आप फॉर्मूला ट्रिक आप खुद भी बना लोगे, अगर बेसिक नहीं समझोगे तो आप क्वेश्चन को ही सॉल्व कर पाओगे उसके जैसे, और क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने उसकी बेसिक को नहीं समझी। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कह रहा है ए के द्वारा टंकी को भरने में 12 घंटे का टाइम लगता है और बी के द्वारा टंकी के आधे भाग को खाली करने में 10 घंटे का टाइम लग रहा है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझो, बी के द्वारा टंकी के आधे भाग को खाली करने में 10 घंटे का टाइम लग रहा है। तो दोस्तों आप बता सकते हो यहाँ से कि बी के द्वारा फुल टंकी को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 20 घंटे का टाइम। जब आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन दिए जाए तो आपको करना क्या है, जो आपको टाइम दिया हुआ है इनका आपका एलसीएम लेना पड़ेगा जिससे आपको ये पता चल सके कि एक घंटे में टंकी में पानी कितना जा रहा है। जब एलसीएम आप लोगे तो आपका 12 और 20 का एलसीएम आएगा आपका 60। अब 60 लीटर की हमारी टंकी है, उसमें जो पानी ए से आ रहा है 12 घंटे में पानी आ रहा है, फुल हो रही है टंकी, तो एक घंटे में कितना पानी निकल कर आ रहा है, 5 लीटर। ए के द्वारा 5 लीटर पानी एक घंटे में आ रहा है इसलिए 12 घंटे में टंकी हमारी फुल हो जाती है। और बी से कितना पानी टंकी से निकल रहा है तो आप वहां से देख सकते हो, क्योंकि 60 लीटर की टंकी है और 20 घंटे लग रहे हैं टंकी को खाली होने में, तो आप यहां से देख सकते हो कि एक घंटे में 3 लीटर पानी टंकी से बी के द्वारा कम हो रहा है। अब कह रहे हैं क्वेश्चन में अगर हम दोनों को एक साथ ओपन कर दें तो टंकी के आधे भाग को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो टंकी का आधा भाग कितना है, 30 लीटर, क्योंकि 60 लीटर की टोटल टंकी है तो 30 लीटर की टंकी हाफ हुई है। अब यहाँ पर देखो, हम जब दोनों को एक साथ ओपन करेंगे तो ए से तो 5 लीटर पानी आएगा, बट बी से 3 लीटर पानी टंकी से कम हो जाएगा, तो इस तरीके से टंकी में पानी कितना बचेगा, एक घंटे में केवल 2 लीटर, और टंकी में टोटल हाफ में कितना पानी आएगा आपका 30 लीटर, बट एक घंटे में पानी 2 लीटर टंकी में रह रहा है और आपको कितना करना है, 30 लीटर। तो आप इजीली बता सकते हो कितने टाइम में होगा टंकी में आधा 30 लीटर पानी कितने टाइम में आएगा, 15 घंटे में, क्योंकि एक घंटे में है ना 2 लीटर पानी आ रहा है, तो 15 घंटे में 30 लीटर पानी टंकी में आ जाएगा और टंकी आज भी हाफ हो जाएगी। दोस्तों देखो, मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, बस आपको करना है क्या, उसकी बेसिक को समझना है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो या मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसकी बेसिक को समझो। अगर आपको मैथ में स्मार्ट बनना है तो बेसिक को समझना स्टार्ट कर दो और अपने थोड़े माइंड पर भी ध्यान दो, अपने माइंड को हाई करो तो आपको मैथ के क्वेश्चन समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका माइंड हाई होगा तो आप मैथ के सवालों को एक बार में भी समझ लोगे, आप इजीली उसके आंसर निकाल लोगे। मैथ का कोई भी सवाल हो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, मैथ के सवालों में कुछ भी नहीं होता है, बस और बस आपको उसकी बात को समझने पड़ती है, और आप बात समझने लगे तो आप उसके आंसर इजीली निकाल दोगे। ठीक है फ्रेंड, ओके।